इलस्ट्रेशन 53 था है ना, सिद्धार्थ लिमिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बस यही एंट्री बची थी ना, बाकी सब तो हो गया था मेरे ख्याल से, है ना। देखो, एक के पास एक्स और वाई थे, एक्स के पास कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स, और वाई के पास 600 शेयर्स, टोटल कितने हो गए थे, 1000 शेयर्स, लेकिन ये फॉरफीट थे है ना, जब्त, और रीइशू कितने हो रहे थे, 800, जिसमें से एक्स के पूरे इंक्लूडेड थे 400 शेयर्स, ठीक है, और वाई के कितने थे, 400 शेयर्स। तो शेयर फॉरफीचर में एक्स वाले का कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स के पूरे फॉरफिट हुए थे इसलिए पूरे रीइशू भी हुए। वाई का कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि 600 में से सिर्फ 400 रीइशू हुआ था। फॉर्मूला क्या था फॉरफीचर वाला निकालने का, बताओ, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड है ना, फॉरफीचर अकाउंट का यही था फॉर्मूले में, किसका, वाई का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स, यही था ना। ये हो गया, ये फॉर्मूला था, ये हो गया 2000 रुपीज है ना। तो 400 शेयर्स के लिए जो अमाउंट है वो कितना निकल रहा है, 2000, ठीक। और एक्स का कितना था, फॉरफीचर का अमाउंट पूरा लेंगे क्योंकि पूरा रीइश्यू हुआ था, तो एक्स का कितना यूज हुआ है, देखो 960 960, और वाई का कितना है, 2000, ठीक है, ये रीइश्यू का निकला, 400 का सिर्फ। तो टोटल कितना हुआ फॉरफीचर के लिए अवेलेबल, 2960, ये हुआ। अब इस 2960 ये था अमाउंट फॉर फ्यूचर का है ना। अब देखो, जब हमने री इशू किया तो री इशू में हमने शेयर फॉर फ्यूचर का कितना अमाउंट यूज किया था, 800 रुपये, तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा 2160, तो ये अमाउंट आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक्स का इसलिए नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि एक्स के पूरे रीइश्यू हो गए थे, और वाई का इसलिए कैलकुलेट किया है देखो क्योंकि वाई का सिर्फ 400 ही रीइश्यू हो रहा है। आ रहा है समझ में, कहीं डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, ये मत सोचना ना कि 2-3 बार हो गया नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं पूछेंगे, नहीं, अरे है डाउट तो पूछ लो। यस मैम, देखो रोशन यस मैम, लिमिटेड वाला है ना, रोशन लिमिटेड एग्जाम्पल है 54, आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दी हूँ मैं। रोशन लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5000 समता अंशों के लिए 10% प्रीमियम पर आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निर्गमित किया। देखो, 5000 समता अंशों के लिए इक्विटी शेयर्स हैं कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, और प्रीमियम कितना है, 10% प्रीमियम ले रहा है, सोचो तो 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपए, यानी प्रीमियम पे कितना रुपए हो रहा है, 1 रुपए, और शेयर्स का कितना है, 10 रुपए। नेक्स्ट देखो, आवेदन पर तीन, मतलब एप्लीकेशन पर तीन, अलॉटमेंट पर फाइव, लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का तो 1 रुपए हुआ, यानी 4+1 है ना, इतना लिया है। बैलेंस ऑन कॉल, शेष राशि मांग पर दे है ना, कॉल कितना हो गया, 5 और 3 8, कितने का शेयर है, 10 का, तो बैलेंस कितना बचा, 2 रुपए। नेक्स्ट देखो, इसमें निर्गमन के लिए 2.5 गुना अभिदान प्राप्त हुआ, द इश्यू वॉज सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 2 1/2 टाइम्स, 2.5 गुना, तो 5000 का 2.5 गुना, देखो 5000 शेयर से तो 5000 का 2.5 करो कितना आ रहा है, 12,000, 125 रुपये हाँ ये देखो
12,500 शेयर्स मिले, ढाई गुना। मतलब ये देखो, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स बिलो 20, मतलब 20 अंशों से कम आवेदन पत्र। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 20 से भी कम के लिए अप्लाई किया था, मतलब किसी ने 19, किसी ने 18, किसी ने 10, ऐसे कुछ किया होगा किसी ने। तो ऐसे कितने शेयर्स थे, 2,500 शेयर्स थे टोटल। अगर गिनती किया उन लोगों ने तो डायरेक्ट देखो 20 अंशों से कम आवेदन, और कुल कितना मिला था, 2,500 अंश अस्वीकृत कर दिए गए। तो देखो 2,500 शेयर्स जिन्होंने 20 से भी कम मांगा था, बिलो 20, उनको बिल्कुल नहीं दिया कुछ भी, निल। नेक्स्ट देखो, 2,500 अंशों के एक आवेदक को 500 अंश दिए गए। कोई एक था जिसने पूरा का पूरा कितना मांगा था, 2,500, उसको कितना दिया, 500। शेष को यथानुपात आवंटन किया गया। द रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड प्रोराटा। अब देखो टोटल कितने आए, 12,500, ये कितने हो गए, 5,000 टोटल करें तो बचा कितना, 7,500 बचा। तो इनको प्रोराटा दे दिया। इट मींस व्हाट, देखो टोटल है 12,000 शेयर्स, हम दे सकते हैं सिर्फ 5,000, तो कितना बचा, 4,500। आ रहा है समझ में, ये कैसे निकला था, 12,500 में से 2,500 और 2,500 क्या कर दिया, माइनस, और इधर 5,000 में से 500 माइनस किया। किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो बस यही इसमें एक वर्किंग नोट का पार्ट था ये वाला। नेक्स्ट देखो, आवंटन राशि की सीमा तक अधिक राशि को रोक लिया गया। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जितना मनी अलॉटमेंट में यूज होना है उसको रोक लिया, तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होगा, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। नेक्स्ट देखो, 225 अंश के अंशधारी मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। एक नहीं, एक 150 वाला है ना, 150 अंश के धारक। तो एक है 150 शेयर्स, एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 150 शेयर्स। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। नेक्स्ट है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 250 शेयर्स हैं, सॉरी 225 शेयर्स हैं। उसने कॉल मनी नहीं पे की और इनके शेयर्स क्या हो गए, फोरफीट हो गए, एंड देयर शेयर्स फोरफीट। फिर 75 शेयर्स कितने वाले में से, 150 वाले में से, ये वाला जो 150 शेयर है इसमें से 75 शेयर्स को क्या कर दिया है, रीइशू किया है। अब क्वेश्चन में देखो, फिर से क्वेश्चन की एक लाइन देखना, वो वाला जो निर्गमन के लिए ढाई गुना आवेदन प्राप्त हुआ, 20 अंश से कम आवेदन अस्वीकृत कर दिए। नेक्स्ट लाइन देखो, 2,500 अंशों के एक आवेदक को 5,000 अंश दिए गए, यानी ये वाला देखो जो हाईलाइट कर रही हूं, देखो ये एक ही आवेदक है 2,500 वाला जिसको 500 दिए गए, ठीक है, ये एक ही आवेदक है, वन एप्लीकेंट यानी वन शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर था जिसने 250 शेयर्स लिए, लेकिन उसको दिए कितने, 500। तो ये जो क्वेश्चन में दिया है 150 शेयर, 225 शेयर, तो ये कौन सी कैटेगरी वाला हुआ, ये वाले कैटेगरी से। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि ये एक ही आवेदक है, और इसके लिए तो कुछ नहीं बोला था। तो देखो एक है जिसके पास 150 है, एक है जिसके पास 225, तो वो कौन सी कैटेगरी वाला हुआ, ये वाली कैटेगरी का। आया समझ में? अब साथ साथ इसकी वर्किंग नोट करते चलो। मैंने ये वाला पोर्शन रफ कर रही हूँ, ये इसका भी काम का नहीं है ये वाला। ये नोट कर लिया सबने? Yes. मैम कॉल मनी का 3 रुपए आएगा क्या?
एक सेकेंड, पांच, हाँ तीन हो जाएगा, तीन। तीन हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा ना 11, है ना। ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, और ये तीन, ये हुआ ना अब 10, ठीक है। और ये एक था प्रीमियम का, किसने ध्यान दिया है इसमें? कृष्णा, क्या आदित्य, किसने ध्यान दिया था? मैम मैं कृष्णा। ओके ठीक है, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखो, स्टार्ट करें अपन। अब इसका देखो एप्लीकेशन वाला, ये वाला पॉइंट समझो, है ना। ये वाला देखो, इसी में ही कंटिन्यू कर रही हूँ, साथ में बनाना। ये देखो यहाँ लिखना एप्लीकेशन रिसीव्ड, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये अलॉट किया था। अब लिखना टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो देखो 3 रुपए के हिसाब से किस पे कितना आया होगा? फर्स्ट वाले पे 2500 इंटू तीन करो, ₹7500, ठीक। फिर ये 2500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना आया? 7500। फिर इस 7500 पे कितना आया 3 रुपए के हिसाब से? हाँ करो, 7500 इंटू थ्री, 22500। ये आया था ऐसे, ठीक है। यहां तक डाउट है किसी को? अब देखो अब एडजस्टमेंट्स करेंगे अपन। तो ये वाला जो फर्स्ट है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक। अब ये देखो इस 2500 वाले को कितने शेयर्स दे रहे हैं अपन? 500 दे रहे हैं। तो ये 500 शेयर्स दे रहे हैं, तो 500 इंटू तीन कितना होगा? 1500। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ये हो गया इसका। फिर नेक्स्ट देखो, फिर इसको अगर अलॉटमेंट का इसका कैलकुलेट करेंगे पूरा प्रीमियम वगैरह जोड़ के 5 रुपए से, तो कितना हुआ? 2500 हुआ। ये इसका किसमें ले लेंगे अपन? अलॉटमेंट में। तो टोटल करो कितना हुआ इसका, इसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना आ रहा है टोटल? 4000 हुआ, ठीक। इसका टोटल कितना आ रहा है? 7500। तो 7500 में से 4000 गया, तो कितना बचा? 3500। तो इसका 3500 क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, क्योंकि अपन ये कॉल मनी में एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है कि हमको सिर्फ अलॉटमेंट तक का अमाउंट रोकना है, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा वो रिफंड। यहां तक डाउट है पूछो किसी को? आदित्य, उषा, कृष्णा, रिया, साक्षी, जल्दी पूछो। देखो ये था 7500 और ये टोटल हुआ 4000, इसको माइनस कर दिया तो आया 3500। अरे बताओ कोई डाउट है कहीं? तो आदित्य कोई डाउट नहीं है? रिया क्लियर नो मैम। है? चलो नेक्स्ट देखो। नो मैम।
अभी देखो ये 7,500 शेयर्स वाले को देखो, इसको कितना दे रहे हैं अपन, 4,500। तो 4,500 इंटू 3 करो, कितना आएगा? 13,500 आएगा। ठीक, और अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए इसका? ये तो इसका एप्लीकेशन में चले गया, ये हो गया एप्लीकेशन, है ना। और अगर इसका अलॉटमेंट में देखूं 4,500 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना है देखो, 22,500। इतना तो है भी नहीं अपने पास, तो इसका जो पूरा का पूरा बचा अमाउंट है वो पूरा का पूरा किसमें चले जाएगा, अलॉटमेंट में। तो देखो, तो इसका 22,500 में से 13,500 इसका तो यूज हो गया एप्लीकेशन में, तो इसका जो बचा हुआ अमाउंट है 9,000। ये हो गया एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। यहां तक नोट करो जल्दी से, फिर आगे अपन उनका कैलकुलेट करेंगे जिन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, 150 शेयर्स वालों ने, और 225 वालों ने कॉल मनी पे नहीं किया है। तो देखो, 150 शेयर्स थे जिसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया है, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी के तो नहीं है, ये वाली कैटेगरी के। तो इसका फॉर्मूला बनाओगे, तो 7500 डिवाइड बाय 4500 करना, इनटू 150 करना, तो आंसर आएगा आपका 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इसका मतलब इसने, तो इसने 250 के हिसाब से 3 रुपए 750 रुपए दिए थे, जिसमें से इसका 150 यूज हुआ 3 के हिसाब से, 450 300 इसका एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट पे, इसको 250 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से पे करना था, 250 × 5 1250 मिला, कितना है इससे, सिर्फ 300। ये 150 का 5 से होगा, मैंने गलती से 250 ले लिया, तो ये था 750 और इससे मिला कितना है, 300 मिला है। तो 400 नहीं मिला है इससे अलॉटमेंट का, ये यहाँ तक है। yes, चलो नीचे देखते हैं, इसमें करते हैं, ठीक। फर्स्ट एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ रहा है टोटल,
ये देखो टोटल देखो कितना आ रहा है, ये देखो 7.5, 7.5 और 22,500 टोटल करो, इन तीनों का टोटल करो। सर्तीस पांच सौ आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, एक साथ कर रही हूँ मैं एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन में 37,500 आया है। चलो देखो यहाँ पे, ये देखो एप्लीकेशन पे कितना लिया, यहाँ पे 1,500 टोटल करते जाओ, रिप्लाई करो। फिर यहाँ पे भी एप्लीकेशन का कितना लिया है, 13,500। तो 1,500 और 13,500 टोटल करो, कितना हुआ, 15,000 आ रहे हैं। फिर अलॉटमेंट पे देखो कितना ले रही हूँ, यहाँ का 2,500 ले रही हूँ और यहाँ का कितना ले रही हूँ, 9,000। तो कितना हुआ, 11,500। बताओ